दोस्तों आज एक गंभीर विषय में हम लोग न्यूज ऑफ स्टेट्स का पहला एपिसोड हाई टाइम्स लेके आए। पहला एपिसोड में एक ऐसे विषय में हम बात करेंगे, अपनी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जिसको सुनकर आपकी होश घड़ी धुले जाएगी। मोदी जी ने 3 दिन पहले कुछ समाज कल्याण के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक कदम उठाया, 5940 ऐपों को बंद करवाया। तो दोस्तों, तो समालोचना करने वाले तो मोदी जी व राहुल जी व दूसरे पॉलिटिशियन द्वारा देश हित में जो कार्य किया था, समालोचना किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह में कभी वो गलत भी होते हैं तो सही भी होते हैं। लेकिन आज जो हम विषय बात करेंगे कि मोदी जी द्वारा उठाया हुआ कदम कितना सही और कितना गलत है। दोस्तों, एक 59 ऐप में एक क्लब फैक्ट्री नाम का ऐप है जो चाइना इन्वेस्टमेंट और चाइना के द्वारा चलाया जाता है। इस क्लब फैक्ट्री ऐप कब बना, कौन बनाया, उसके बारे में तो बाद में बातें करेंगे। लेकिन क्लब फैक्ट्री जो ऐप है, इसके मतलब कुछ हैकर्स, कुछ फ्रॉड मिलके इंडिया में चलाते थे। क्लब फैक्ट्री पहली बार 2014 में ओरियन जियालुन ली और वेस्टर्न ली द्वारा लॉन्च किया गया। दोनों चाइनीज नागरिक हैं। इसने क्लब फैक्ट्री को भारत, यूरोप, संयुक्त अमेरिका, दक्षिण एशिया, मध्य जैसी जगहों में अपना बाजार स्थापित किया। इसने पूरे दुनिया में सस्ते सामान बेचने का एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए लुभाने ऑफर अपने ग्राहकों को देने लगा। लेकिन छोड़ी पूरे दुनिया के बाद हम लोग अभी दुनिया में रखते हैं, अलग रखते हैं। पहले हम इंडिया का बात करते हैं। क्लब फैक्ट्री 2014 से जब से आरंभ हुआ है, आप सुने होंगे कि किसी आदमी का लॉटरी लग गया, आप इतने पैसे जमा कीजिए, किसी आदमी का एटीएम का नंबर, किसी आदमी का एटीएम से पैसा निकालना, किसी आदमी का कोई चीज हैक करना, ये क्लब फैक्ट्री से जो शॉपिंग करने लगा उस ग्राहकों को ज्यादा होने लगा। तो इसका एक उदाहरण मेरे पास है, ठगबाज क्लब फैक्ट्री के लिए हमारे पास एक ताजा उदाहरण है। क्लब फैक्ट्री में एक हमारे मित्र 9,500 का सामान ऑर्डर किया था, कुछ पजामे, कुछ चद्दर, सब मिला के 9,500 का सामान उसने ऑर्डर किया था और पेमेंट किया था अपने एटीएम कार्ड से। 2 दिन पहले एक समाचार आया कि देश हित में, देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के 59 ऐसे ऐपों को बंद करवाया जिससे हमारे डाटा लीक होने की डर सबसे ज्यादा है। बात सही है, मोदी जी का ये बात सही है। जब मैंने कस्टमर केयर को फोन किया कि मेरे मित्र ने एक सामान ऑर्डर दिया है, आप उसका डिस्पैच हुआ कि नहीं बताइए, तो उसने बोला कि रुकिए सर, आपको हमारे सीनियर फोन करेंगे, आप 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट रुका मैं, 2 मिनट से पहले मुझे फोन आ गया, देखिए साहब मैं क्लब फैक्ट्री का कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, सीनियर बोल रहा हूँ, तो आपका क्या प्रॉब्लम बताइए। तो हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हमने सामान मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया था और अब तो कंपनी बंद हो गई, हमें भी दुख है, क्या हमारा सामान डिस्पैच हुआ। तो क्लब फैक्ट्री के जो कस्टमर केयर अधिकारी थे उसने बताया कि भाई आपका ऑर्डर नंबर बताइए, हमने बताया, उसने बताया कि भाई आपका सामान डिस्पैच नहीं हुआ, अभी आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, तो आप 2 मिनट हमें समय दें। तो हम 2 मिनट इंतजार भी किया, उसने बोला कि अपने फोन में एनी डेस्क बोल के यार एक आता है जो स्क्रीन शेयरिंग होता है, आप अपने मोबाइल में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आप, उस वो आपको देख सकेगा। तो उसने क्या बोला कि भाई आप अपने मोबाइल में एनी डेस्क ऑन कीजिए और एनी डेस्क ऑन करने के बाद आप एक नंबर आएगा उनको बताइए, हम नंबर बताए उसको। तो उसने बोला कि आप अपने बैलेंस चेक कीजिए, आपको नंबर फंड रिटर्न कर दिया गया। तो हमने क्या किया, गूगल पे हमको ऑन करने बोला था, तो गूगल पे हम नहीं जाके हम अपना बैंक अकाउंट खोल के जो फिंगरप्रिंट से उसका स्क्रीन लेके हम देख लें, मेरा बैलेंस जो था वही है, कोई बैलेंस मेरा बढ़ा नहीं।
मतलब मेरे दोस्त का बड़ा नहीं, तो उसने बोला कि भाई ऐसा कीजिए फिर से आप अपना लॉगिन कीजिए गूगल में। हम बोले भाई हमारा जब बैलेंस अकाउंट में आया नहीं, तो गूगल पे में स्टोरेज कोई जगह तो होता नहीं, गूगल पे जस्ट एक माध्यम है कि आपका अकाउंट को दूसरे अकाउंट से लिंक करता है। तो जब मेरे अकाउंट में आया नहीं तो गूगल पे में कैसे आएगा। तो मैंने उसको बोला, जहां ही उसको बोला तो बोला कि आप ऐसा कीजिए आप समझ नहीं रहे हैं, गूगल पे ऑन कीजिए। तो बोला भाई मैं गूगल पे ऑन कर रहा हूँ। तो मैंने किया कि एनी डेस्क का जो शेयरिंग था मैंने काट के गूगल पे ऑन किया। जब मैंने गूगल पे ऑन किया बोले भाई मेरे गूगल पे में बैलेंस नहीं दिखा रहा, शो कर रहा। तो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर बोला कि भाई आपसे जो बात हुई थी एनी डेस्क ऑन करके गूगल पे ऑन कीजिएगा तो आप क्यों नहीं किए। हम बोले हम एनी डेस्क ऑन करके गूगल पे क्यों लॉग इन करेंगे, आपको मेरा आईडी पासवर्ड क्यों दिखाया। तो बंदा फिर फोन काट दिया। मैंने 5 बार 6 बार 7 बार ट्राई करता रहा लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उनका नंबर मैं अभी अपने वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप भी फोन कर दे सकते हैं, बोल सकते हैं भाई गूगल पे से क्लब फैक्ट्री से हम बोल रहे हैं और क्लब फैक्ट्री में आप सामान हमने ऑर्डर किया था कि मेरा सामान आप आया कि नहीं, एक दो कोड बताए तो बताएगा, झूठे आपको आश्वासन मिलेगा। तो इस तरह का फ्रॉडिज्म को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा जो कदम उठाया गया एकदम सटीक है, पूरे देश उनके साथ है, न्यूज ऑफ स्टेट्स साथ है। हेलो हेलो, हाँ क्लब फैक्ट्री से बोल रहे क्या? जी 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 सर। एक मेरा सिस्टर का जो है ना, मतलब 9,000 रुपए पेमेंट किया था अपने एटीएम कार्ड से, सामान ऑर्डर किया था, तो वो क्या वापस आ गया या बंद हो गया? सर ये तो क्लब फैक्ट्री बैन कर दिया गया है सर। तो हमारा जो पैसा दिया था, पेमेंट किए थे हमने, उसका सामान कुरियर किए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कुरियर नहीं। आप अपना ऑर्डर नंबर बोलिए, हम चेक करके बता देते हैं। ऑर्डर नंबर क्या हम लोग का? एक रुके सर, चलिए, दुखद घटना है कि हम लोग तो परमानेंट क्लाइंट थे आपके ना क्लब फैक्ट्री के। सर वो तो सभी थे सर, लेकिन क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने हम लोग दुखद घटना है और क्या बोलेंगे इसके ज्यादा। हाँ हाँ, ये तो बात तो हम लोग के लिए, हम तो आपसे ज्यादा हम लोग के लिए है ना, हम लोग इसमें काम करते हैं। ये ऑर्डर नंबर बताएं सर क्या? हाँ सर बोलिए। SO2900 009 0 3 8 0 0 9 0 5 9 0 5 5 0 9 0 5 3 4 8 6 4 8 6। जी सर जी, तो इसका टोटल पेमेंट कितना बोले सर? 9,000। हाँ जी, वो कार्ड से पेमेंट किए थे ना? हाँ, 9,650 9,650। हाँ जी सर जी, एक मिनट आप लाइन पूरी के मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका प्रोडक्ट यहाँ से भेजे कि नहीं। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जी सर एक मिनट लाइन पे रुकिए। ओके सर, सुन रहे हैं सर? हाँ बोलिए सर। सर जस्ट एक मिनट लाइन होल्ड कीजिए सर। हेलो सर। हाँ बोले सर। जी सर ये आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ सर। नहीं हो सका है? नहीं हो सका। ओ चले, क्या बोले तो आप पेमेंट जो किए थे ना सर? हाँ, वो पेमेंट मैं अभी आपको रिफंड कर देता हूँ। ठीक है सर। सर बहुत धन्यवाद सर, और कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत दुखद घटना सर, हम लोग बहुत दुखी है सर। हम लोग क्या बोले सर, ये मतलब अभी इसका बात चल रहा है सर, ये मतलब फिर से चालू हो सकता है। हो सकता है? हाँ। तो इसका पेमेंट क्या, आप कैसे भेजिएगा सर इसमें पेमेंट? जैसे कि आपको जो कार्ड से पेमेंट किए थे ना सर? हाँ। कौन सा बैंक कार्ड था आपका? कौन सा कार्ड था हम लोग का? बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किए? तो सर यहाँ से जो आपका अमाउंट रिफंड होता है ना, गूगल पे फोन पे यूपीआई के माध्यम से होता है, तो आप गूगल पे फोन पे यूज करते हैं सर? हाँ गूगल पे यूज करते हैं हम। जी सर, कौन से नंबर पे गूगल पे यूज करते हैं सर? 9433। जी मतलब जिस नंबर से बात करिए है ना? हाँ जी। तो आप गूगल पे में आपका कौन सा आया है, वही बैंक अकाउंट लिंक है या दूसरा है? दूसरा लिंक है मेरा। कौन सा है सर? मेरा तो कोटक का लिंक है मेरा। जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो यहाँ से अगर रिफंड करूंगा तो गूगल पे में आपको कर दूंगा, तो कोटक में आपका हो जाएगा ना सर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, तो आप एक काम कीजिए सर, अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए, एक एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर में। जी सर, प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन कीजिए। यही मोबाइल पे अपनी बात कर रहे हैं, उस मोबाइल पे सर? बोलिए सर। जी आप जिस नंबर से बात करें इसी नंबर पे आपको ऐप डाउनलोड करना है। ओके बोलिए, कर लिए, उसके बाद बोलिए क्या करना है। जी वहाँ पे लिखिए ANY ANY DESK
डी एस के एफ ए एस के एस फॉर साउथ के फॉर कलकत्ता ओ एनी डेस्क ना जी 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 सर नहीं तो छोटा चीज है बोले जी एनी डेस्क रिमोट कंट्रोल आया ना सर हाँ तो हम वो यूज करते हैं बोले ना जी यूज करते हैं उसको डाउनलोड कीजिए कर लिए जी वो ओपन हो गया जी उसमें देखिए यू आर एड्रेस में जो नंबर है वो नंबर बोलिए मेरा नंबर है 798 एक मिनट सर जस्ट लाइन होल्ड कीजिए हेलो हाँ सर लाइन पे रुके एक मिनट हेलो हाँ सर उसमें देखिए सर यू आर एड्रेस में जो नंबर है वो नंबर बोलिए सर 7981 1313 303 जी सर देखिए इसको ओपन किए है ना अभी जी सर देखिए स्टार्ट नाउ मिलेगा स्टार्ट नाउ में क्लिक कीजिए सर कर दिए हाँ अभी नीचे में दोनों बॉक्स में टीका लगा के दो बार एक्सेप्ट कीजिए जी एक्सेप्ट कीजिए दो बार सर दोनों बॉक्स में टीका लगाए दो बार एक्सेप्ट कीजिए कर दिए सर एक्सेप्ट कर दिए है ना जी अपना होम बटन से इसको मिनिमाइज कीजिए सर बीच वाला बटन से कर दिए जी होम बटन से इसको मिनिमाइज किया अपना स्क्रीन पे आ जाइए आप स्क्रीन में आ गए उसके बाद जी बोलिए दिखाई दे रहा मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर तो बोलिए ना क्या करना उसके बाद इसको वो होम बटन से मिनिमाइज कीजिए सर कर तो दिए आप लैपटॉप में किए हैं या मोबाइल में किए हैं मोबाइल में किए तो ये तो मोबाइल नहीं लैपटॉप बता रहा है सर अरे मोबाइल है मेरा तो ये होम बटन से मिनिमाइज किए राहुल आईफोन इज नाउ व्यूइंग योर डेस्क जी 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 जो आपका अमाउंट रिफंड हो रहा है आप अपना बैलेंस चेक कर लीजिए देखिए अभी मिला है एक्टिवेट हुआ है देखिए कहाँ मेरा हुआ गूगल पे में हाँ गूगल पे बोली अपना बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए सर आप रुके हम देख लेते हैं कितना भेजा पैसा मेरे को अभी यहाँ से 9600 एक मिनट नहीं पैसा नहीं आया नहीं आया सर आप किस में चेक किए मेरा अकाउंट जिसमें लिंक अकाउंट उसमें चेक करेंगे ना सर आप गूगल पे में चेक कीजिए अरे गूगल पे में कहाँ चेक करेंगे जब तक पे तो लिंक इसमें ना अकाउंट में ना आएगा गिरे ड्रॉप होगा आप अपना गूगल पे में पहले चेक कीजिए सर गूगल पे में जी सर जी तो आप एक मिनट रुकिए कर लेते हैं नहीं मैं रुके सर 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 सुना तेरा सर जी सर बोलिए सर चेक तो कर लिए कहाँ दिखा रहा गूगल पे में क्या सर देख पा रहे सर आप चेक कहाँ किए हैं सर चेक तो किए हैं हम कैसे देख सकते हैं आपका तो आप मेरे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना सर आपका नहीं सर आपका स्क्रीन हम कैसे देख सकते हैं आप बताइए ना एक बार ये अपडेट होता है सिस्टम अपडेट होता है सर ये जब हम एनी डेस्क कर रहे हैं तो सिस्टम तो अपडेट हुआ रहा है जी सिस्टम अपडेट होके यहाँ पे स्क्रीन आपका नहीं आता है ठीक है जो आपको ये ही बता रहे हैं कि अपना आप बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए देखिए कि मिला है कि नहीं नहीं आया नहीं आया आप कोटक महिंद्रा यूज करते हैं ना उसको ओपन करके देख लीजिए आप हम दोनों देख लिए सर अभी आप कोटक ओपन कीजिए ओपन किए नहीं आ रहा
आप ओपन ही नहीं कर रहे और बोल रहे ओपन कर दिए हैं। अरे मेरा स्क्रीन में ओपन किए हैं, मेरा जो बैलेंस था वही बैलेंस मेरा है। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। हाँ तो नहीं भेजेगा। हाँ क्लब फैक्ट्री से बोल रहे क्या? जी सर। एक हमारी सिस्टर कपड़ा अपना बुक करवाया था 9000 में, ठीक है? हाँ। पेमेंट कर दिया था जी। तो उसका वापस नहीं आएगा क्या पैसा? सर मैं आपको 2 मिनट बाद कॉल बैक करूं सर। 2 मिनट बाद थोड़ा बताइए क्या है सर। मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, दूसरे हमारे सीनियर अधिकारी कॉल करेगा, कॉल को रिसीव कीजिएगा। ओके एकदम करेंगे। जी 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 बिल्कुल।